जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से करीब 1 करोड़ रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक कार सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी नरेश कृष्णिया की आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया और उसके बाद में चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने व्यापारी को जबरन जहरीला पदार्थ भी खिला दिया, जिससे कि व्यापारी अचेत हो गया। इस दौरान बदमाश व्यापारी की कार में रखे 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद घायल व्यापारी को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी परिचित का हाथ फिलहाल होना बताया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, यहां पर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से लूट यहां पर की है। चाकू से वार कर पहले व्यापारी को घायल किया, उसके बाद जबरन उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर अचेत कर दिया। इस दौरान उसकी गाड़ी में रखे 1 करोड़ रुपए की नकदी लूट कर ये लुटेरे फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और मोटे तौर पर अभी पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया किसी परिचित का इस घटना में हाथ होना बताया जा रहा है।